अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 28, 36 एंड 45 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास हैं जितनी भी वैल्यूज होती हैं, सबसे पहले हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और फिर उसके बाद उन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम उसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो चलें जल्दी से हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इन तीनों वैल्यूज़ की। जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है यहाँ पे वो है 28, सेकंड वैल्यू है हमारे पास 36 एंड थर्ड एंड लास्ट वैल्यू है हमारे पास 45। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसका मतलब होता है कि उस वैल्यू को हमें कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास वन ना आ जाए। और डिवाइड किससे करना होता है? डिवाइड करना होता है प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। कौन से दो टेबल्स में आते हैं? एक अपने और दूसरे बन के। इसके अलावा किसी तीसरे टेबल में नहीं आते। यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। ये तमाम प्राइम नंबर्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे बन के। इसके अलावा किसी तीसरे टेबल में बिल्कुल नहीं आते। इनमें से भी जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हमें वहाँ से स्टार्ट लेना होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर है तो वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो जो वैल्यूज हमें 2 से डिवाइड होती हुई नज़र आ रही है उसे हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे, 8 आता है 4 पे, ये बन चुका है 14। जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 14 आता है 7 पे, 7 खुद एक प्राइम नंबर है, 7 को हमें यहाँ 7 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। इसी तरह अब हमारे पास यहाँ 36 है, इसके भी लास्ट में इवन नंबर है, इसे हमें 2 से ही डिवाइड करना है। 2 के टेबल में लेकिन 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे, तो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास और बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे, ये बन चुका है 18। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। अब ये 9 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है और 3 से ही बिल्कुल डिवाइड होगा क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे और 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 36 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। लास्ट वैल्यू है हमारे पास 45, इसके लास्ट में ऑड नंबर है, इसलिए ये वैल्यू 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3 और 3 का मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बता दूँ कि एक वैल्यू में जितने डिजिट्स हों अगर हम उनको प्लस करें, जैसे हमारे पास यहाँ 2 डिजिट्स हैं उनको अगर हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 4 प्लस 5 9। अगर 3 का मल्टीपल है तो ये वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। 9 बिल्कुल 3 का मल्टीपल हमें पता है इसलिए 45 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो इसे हम 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन 3 के टेबल में 4 नहीं आता, तो छोटा नंबर 3 आता है 1 पे, तो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 5 के पास और बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे, ये 15 बन चुका है जो कि 3 के टेबल में आता है 5 पे और 5 को हमें 5 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। अब हम इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम 28 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। उसके बाद हम लिखेंगे 36 के प्राइम फैक्टर्स जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और लास्ट में हम लिख लेते हैं 45 के प्राइम फैक्टर। 45 के प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम इसका एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि तीनों में मौजूद हैं, जिनका तीनों में पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे हमें ऐसे कोई से भी प्राइम फैक्टर नज़र नहीं आ रहे जो कि तीनों में मौजूद है, ठीक है। जब हमने चेक कर लिया कि तीनों में पेयरिंग नहीं कर सकते हम, तो फिर हम देखेंगे क्या हमें ऐसे प्राइम फैक्टर नज़र आ रहे हैं जो कि दो में मौजूद हों, तो हम उनकी पेयरिंग करेंगे। देखिए एक 2 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिखा। एक और 2 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिखा, ठीक है। इसके अलावा ये 3 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिखा। एक और 3 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। उसके अलावा अब यहाँ कोई पेयरिंग नहीं होती हुई हमें नज़र आ रही। जो रिमेनिंग फैक्टर्स रह गए हैं जिनका कोई पेयर नहीं बन रहा, उनको भी हमने यहाँ एज इट इज़ कॉपी कर लेना है, जिनमें एक 7 और एक 5।
अब एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो फिर हमें पता चल जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल 28, 36 एंड 45 का। तो चलिए हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से। 2 times 2 is 4, 4 times 3 is 12, 12 times 3 is 36, 36 को मल्टीप्लाई करना है हमें 7 से, वो हम यहाँ रफ़ में कर लेते हैं। जब हम 36 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7 times 6 is 42 का 2, 4 कैरी, 7 times 3 is 21, 21 में जब हम मिलाएंगे 4 तो वो हो जाएगा 25। और लास्ट में हमें क्या करना है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है एक बार 5 से, वो भी हम यहीं कंटिन्यू करके इसे जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। हम 5 से भी यहीं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 times 2 is 10 का 0, 1 कैरी, 5 times 5 is 25 प्लस 126 का 6, 2 कैरी, 5 times 2 is 10 प्लस 2 12। मीन्स हमारे पास यहाँ हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो आ चुका है, जो कि है 1260। देखा आपने कितनी जल्दी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमने एलसीएम फाइंड आउट करना सीख लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।